हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 488 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे डार्क स्पिरिट कहाँ है, तो ये लो भाई डार्क स्पिरिट आपके लिए लिया है। और यहाँ पे मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं माफी चाहता हूँ कि कल जो है वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से कल एपिसोड नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। और ये एपिसोड आ रहे हैं तो इंजॉय इट। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो बंदा होता है वो यहाँ पे अपनी नीडल का यूज कर रहा होता है क्योंकि ये नीडल का एक्सपर्ट होता है। और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हमले को डॉच कर पाओगे, नहीं अब ये हमले को तुम बिल्कुल भी ड्रॉच नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे दिखाते हैं तो बहुत सारी नीडल को निकाल लिया होता है। उस पूरी टेक्निक का नाम होता है 1000 नीडल ब्रेकिंग टेक्निक। वो जो टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होती है। इतनी सारी जो नीडल होती है वो डायरेक्ट हमारे लिनफेंग के ऊपर आगे बढ़ती है। लिनफेंग जो होता है अपने सामने पावर की शील्ड होती है, उसको क्रिएट करता है। शील्ड होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है कि उसकी जो नीडल होती है ब्लॉक हो जाती है। और हमारा जो लिनफेंग होता है वो आगे बढ़ता है और अपने डीमन शैडो को रिलीज करता है। डीमन शैडो को जब वहाँ पे रिलीज करता है वहाँ पे एक बड़ा सा डीमन लॉर्ड की परछाई निकलती है, जिसको देख के जो वो बंदा होता है बहुत ज्यादा डर जाता है। तो बंदा जो होता है यहाँ पे इसकी चड्डी फट रही होती है और सोच रहा होता है कि भला एक लड़का यहाँ पे कैसे इतना ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा को और डीमन लॉर्ड की ऑरा को यहाँ पे रिलीज कर पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे वो अपनी सोल नीडल टेक्निक को रिलीज करता है, सोल नीडल को यूज करते हुए लिनफेंग की एनर्जी के आर पार कर देता है, उसको भेज देता है। पर यहाँ पे जो लिनफेंग होता है अपने हाथ के साथ ही उसको यहाँ पे पकड़ लेता है। पकड़ते साथ ही वो उसको बैक फायर करता है उसी बंदे के ऊपर। वो बंदे के ऊपर जाके वो नीडल लग जाती है और बंदा नीचे की तरफ गिर जाता है, मर जाता है। जो देखने वाले होते कह रहे होते कि ये कैसे हो सकता है। 1000 नीडल से बंदे के बारे बात कर रहे होते और कह रहे होते कि ये जो बंदा था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, कि ये कैसे मर सकता है। बोला देखो तो ये अपने नीडल से यहाँ पे मारा गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लिनफेंग को मारने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जब वो देखते हैं कि लिनफेंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो सब लोग कहने लगते हैं कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं या भाग जाते हैं, बंदा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि देखो तुम्हें भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिनफेंग ने ऐसे इसलिए कहा है क्योंकि लिनफेंग इन सभी को मारने वाला है। उसका प्लान है कि वो सभी को मार डालेगा, इसलिए उसने कहा है कि भागने की कोई जरूरत नहीं, तुमको तो मैं यहाँ पे स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। और साथ ही लिनफेंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक ही बार में झटके से मार देता है। लिनफेंग होता है जब यहाँ पे अपने पावर्स को दिखाते हैं तो पहली बार जब वो बंदा होता है वो यहाँ पे लिनफेंग की पावर को देखता है और कह रहा होता है तो लिनफेंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं यहाँ पे अपने पावर को ही छुपा के रखा होता, मैं यहाँ पे देख भी नहीं पाया, पर तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो लग रहा है जैसे यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो कि यहाँ पे मेरा मैच कर सकते हो, मेरे से पंगा ले सकते हो और मेरे को हरा सकते हो शायद से। पर हमारे जो लिनफेंग होता है इस बंदे को इग्नोर करते हुए जल्दी से मैंकिंग की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ। मैंकिंग नहीं, टैंगयो, टैंगयो की तरफ आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि टैंगयो क्या तुम ठीक हो, क्या तुम यहाँ पे कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई। जबकि यहाँ पे टैंगयो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वो लिनफेंग से लिनफेंग के बारे पूछते हैं कि लिनफेंग क्या वो ठीक है, जबकि लिनफेंग कह रहा होता है कि नहीं मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पे तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। जबकि जहाँ पे जो वो दो मास्टर रहते हैं जो कि सारी चीजों को यहाँ पे एनालाइज कर रहे होते हैं, उसमें से जो एक बूढ़ा बंदा होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तुमने देखा वो कितना टैलेंटेड है, उसने यहाँ पे कितनी आसानी से हमने जो डेमोनिक इन्फ्लुएंस उसको यहाँ पे अपने हार्ट से निकाल दिया। अगर उसको यहाँ पे अच्छे से गाइड किया जाएगा और अच्छे से सिखाया जाएगा तो हो सकता है आगे जाके वो बहुत ज्यादा ही बड़ा मास्टर बन जाए और फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी चीज को अचीव करे। लगता है उसके जो बच्चे का लिमिट, मतलब उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल लिमिटलेस है, उसका फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट है। और कह रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ 20 पीपल ही बचे, जो कि यहाँ पे बाकी के लोग तो मारे गए हैं। तो अब क्योंकि ये कॉम्पिटिशन टाइप में ही होता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग मरे होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे कंपटीशन के दौरान मरे होते हैं। वही बूढ़ा बंदा कह रहा होता है कि देख के लगता है जैसे कि हान क्यू, बाई ल्यू, जी बी ल्यू और हॉन्ग क्यान और साथ ही टियान ची जू और बाकी के 5 स्लॉट्स जो कि यहाँ पे ले जा चुके हैं। अब बाकी के यहाँ पे 3 स्लॉट्स ही रह गए हैं जो कि यहाँ पे अब इसके लिए कम्पीट किया जाएगा और सभी लोग इसके लिए कम्पीट करेंगे, यानी बाकी के बचे हुए 3 स्लॉट्स के लिए। अब सबको क्लोजली देखा जाए तो यहाँ पे जो वो बंदा है जिसका डिमोनाइज हो चुका है, जो कि डिमोनिक पावर का यूज करता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है वो इंजर्ड भी है। और उसके बगल में टैंगयो वो भी है, बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो इस वजह से वो ऐसे कहते हैं। तो बूढ़ा मास्टर यहाँ पे हांगवू की बात करता है कि हांगवू जो है वो यहाँ पे क्लेम करता है, वो लड़का जो कि हांगवू है वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि वो टियाचिजू के साथ शादी करेगा। ये तीनों ही जो लोग है मेरे को थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये भी फाइनल्स तक पहुंच सकते हैं, भले ही यहाँ पे ये लड़की जख्मी हो। और बचे कुछ 3 स्पॉट्स और जो स्लॉट्स रह गए मेरे को लग रहा है उन 3 स्लॉट्स में ये लोग आने वाले हैं। एक बंदे को दिखाते हैं जो कि अपने ब्रदर से कह रहा रहता है, बाइली ब्रदर क्या तुम्हारे इस सबको लेके कुछ थॉट्स है। जबकि उसके जो साथ वाला ब्रदर ली होता है वो कह रहा होता है उसी बंदे से कि क्यू यू ब्रदर मेरे ख्याल से हमको उन लोगों की हेल्प करनी। बंदा यहाँ पे कह रहा रहता है कि क्यू यू ब्रदर क्यों नहीं हम यहाँ पे हेल्प करें उनकी और डिसीजन करते कि यहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं। जबकि उसके साथ वाला वही बंदा फिर से उसे कह रहा रहता है कि ब्रदर ली आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे, तुम्हारे इंटेंशन क्या है यहाँ पे। उसके साथ वाला जो ब्रदर ली होता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि मुझे यकीन है जो लोग यहाँ पे सीक्रेट राम के अंदर एंटर करने वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत
ज्यादा होने वाली है। तुम और मैं टियांची जू और साथ ही बी लियो और हॉन्गकॉन्ग सिवलिंग तुमको मिला के मतलब 5 हो जाते हैं। बस वो जो लड़की जो कि इंजर्ड है, अगर यहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कमजोर है और बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो वो वैसे भी यहाँ पे एलिमिनेट हो ही जाएगी, हमको तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो लड़की के साथ जो दो लड़के हैं उनमें से किसी एक को यहाँ पे हराना पड़ेगा, यही हमको करना होगा। जबकि एलिनफेंग कह रहा होता है तो अच्छा था, तुम लोग को लगता है कि तुम यहाँ पे फाइट करने वाले हो, तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने वाले हो, जबकि वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे अकेले फाइट नहीं करने वाला जबकि हम दोनों करेंगे। वो बंदा जो होता है वो यहाँ पे हंसता है, यौन करता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत खुश भी होता है, पता नहीं किस बात से खुश होता है, सीटी बजाने लगता है। साथ ही यहाँ पे वो कहता है, वैसे यहाँ पे कुछ ठीक से बताया नहीं गया, पर यहाँ पे वो कह रहा होता है मैं तो यहाँ पे फाइट नहीं करने वाला, ऐसे करके शायद वो बंदा जो होता है ब्रदर ली से कहता है। ब्रदर ली यहाँ पे बोल पड़ता है और कहता है चलो छोड़ो ये सबको, मैं यहाँ पे तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता, तो ठीक है तो मैं यहाँ पे एक स्लॉट दे देता हूँ। तो वहाँ पे दिखाते हैं अब यहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोग ही बचने वाले हैं, बाकी जितने कमजोर लोग होते हैं वो यहाँ पे स्ट्रांग लोग सभी लोग जो कि कमजोर होते हैं उनको हटा रहे होते हैं। एक लड़की होती है जो कि स्ट्रांग होती है, सबसे कह रही होती है कि जरा देखो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं, इनको तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए, ये इन सबको यहाँ पे कोई भी काम नहीं। उसके साथ वाला जो बंदा रहता है जो कि थोड़ा हटगट और पावरफुल से रहता है, वो कहता है कि चलो मेरे को यहाँ पे ये सारी चीजों को साफ करना होगा और मैं यहाँ पे सारी चीजों को संभालता हूँ, क्योंकि ये जो लड़के लड़का होते हैं इनके जो टारगेट होते हैं वो सामने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग होते हैं, जबकि वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो उन दो लोगों ने हमको यहाँ पे टारगेट बना लिया, ये वो दोनों हमको मार डालेंगे, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम जैसे कमजोर लोग उनका सामना नहीं कर सकते। जबकि वही बंदा जो होता है यानी ब्रदरली वो फिर से बोलता है और कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो, तुमको पता है कि तुम लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो, तो यहाँ पे खुद से सरेंडर कर दो, नीचे चले जाओ, क्या तुम लोग हमारे साथ जाना चाहते हो। जबकि वो लोग फिर से बोल पड़ते हैं और वो सभी लोग कहने लगते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे खुद से नीचे तो चले जाते हैं और कॉम्पिटिशन से यहाँ पे गिव अप करते और हार मारते हैं और आगे कॉम्पिटिशन के नहीं बढ़ना। जबकि जो ब्रदरली होता है मुस्कुरा रहा होता है, सभी का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि ये तो बंच ऑफ ट्रेस था, सभी लोगों का बुद्धू सा ग्रुप था, खैर छोड़ो अब यहाँ पे वो जा चुके हैं तो सारा चीजें आसान हो चुका है, किसी को मारने की जरूरत नहीं। बूढ़ा बंदा आता है और कहता है कि चलो ठीक है अब रुक जाओ, जो एग्जैक्टली पीपल जो लोग थे वो यहाँ पे हो चुके हैं, यानी एग्जैक्टली 8 पीपल हो चुके हैं। वो यहाँ पे सभी जो भी 8 लोग होते हैं उन सभी के नाम दोहराते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि तुम सभी जो 8 लोग हो जो कि हमारे टियांची मतलब टियांची एम्पायर है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हो, और वो सीक्रेट रैम के अंदर जाने के बाद तुम्हें हमारे टियांची एम्पायर को रिप्रेजेंट करना होगा, और मैं टियांची एम्पायर के बिहाफ पे तुम सभी को कॉन्ग्रेट्स भी करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ तक पहुँचे हो और इतना आगे तक पहुँच चुके हो। वो बूढ़ा बंदा आगे कहता है अब नेक्स्ट जो है वो टियांची यहाँ पे जो टियांची जू तो टियांची एम्पायर वो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक रिचुअल परफॉर्म करेगा, वो एक क्लेंजिंग रिचुअल होगा कि तुम्हारी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो कि तुम्हारे ऊपर करना जरूरी है जिससे कि तुम यहाँ पे सीक्रेट राम के अंदर जा सको। और वो बोलते हैं कि टियांची जो एम्पायर है वो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देने की फुल ट्राई करेगा और तुम्हें पीछे से सपोर्ट करेगा, साथ ही तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कंडीशन भी देगा, और तुम्हारे लिए टियांची एम्पायर जो कर सकता है वो करेगा, जब तुम सीक्रेट राम के अंदर चले जाओगे तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा, पर उसकी वो मतलब यहाँ पे एक सख्त रूल है जिसको तुम्हें फॉलो करना होगा, जो कि है कि तुम यहाँ पे टियांची एम्पायर के रिलेटेड कोई ऐसी चीज या मुश्किलात को खड़ा नहीं कर सकते या कोई ऐसे एम्पायर से पंगा नहीं ले सकते जिसकी वजह से हमारी टियांची एम्पायर के ऊपर यहाँ पे कोई मुसीबत आ जाए। अगर ऐसा करते तो जो हमारे टियांची एम्पायर है कोई भी यहाँ पे हेजिटेट नहीं कर रहा तुम्हें डायरेक्ट मार डालेगा। इसी के साथ वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। गुड बाय बाय।